हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है ऊंट का मांस और बेचा जाता है। आज की वीडियो में हम पूरी तरह से देखेंगे कैसे की जाती है ऊंट फार्मिंग, जहाँ कि हमारे यहाँ जैसे गाय बैल पालते हैं वैसे अरबियन कंट्री में ऊंट की खेती की जाती है। में कि ऊंट को मारकर उसका मांस बेचा जाता है और सऊदी अरब और अरबियन कंट्री में बहुत सारे लोग खाते हैं ऊंट का मांस बड़े चाव से। इसे यहाँ बिरयानी की तरह खाया जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे ये फैक्ट्री में इसका मांस निकालते हैं। आपको देखकर हैरानी होती होगी कैसे ऊंट का मांस निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ मुर्गे का मांस ही खाते हैं, लेकिन अरबियन कंट्री में ऊंट का मांस खाना कॉमन बात है। ऊंट की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। यहाँ पर ऊंट को लसीकरण किया जाता है, जिससे कि ऊंट को कोई रोग ना आए और उसकी मौत ना हो जाए। इसके लिए ऊंट को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। यहाँ पर ऊंट की नई नई प्रजातियों को डेवलप किया जाता है, जहाँ कि ऊंट के बच्चों को अच्छी तरह से दूध पिलाने के लिए भी वर्कर होते हैं, जिससे कि ये ऊंट के बच्चे बड़े होकर अच्छी क्वालिटी के मांस बनाने के लिए तैयार हो जाए। इन ऊंट के बच्चों को देखभाल करने के लिए अलग ही कंपार्टमेंट होता है, जिसमें कि इन्हें अलग ही रखा जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे बड़े बड़े ऊंट को अलग रखते हैं और फिर इन्हें छोड़ देते हैं कई बार दूध पीने के लिए। आप भी ये ऊंट को देखभाल करने के लिए उन्हें खाने के लिए घास डालने के लिए मशीन होती है, जो कि सब काम मशीन से और वर्कर लोग करते हैं, जिसमें कि इन्हें पानी के लिए अलग ही टैंक होता है जिसमें कि ऊंट पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे देखभाल की जाती है इन ऊंट की। आप खाने के लिए चारा होता है और पीने के लिए पानी। इन्हें तो कई जगह बहुत सारा पानी पीने की आदत है। ऊंट बहुत ज़्यादा पानी पीकर अपने शरीर में स्टोर करते हैं, जो कि गर्मियों में उन्हें काम आता है। ऊंटों को पीने के लिए जगह जगह पर पानी के टैंक होते हैं, जिसमें कि इन्हें कहीं पर भी पानी पिया जा सके। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी बड़ी तादाद में ऊंट यहाँ पर पाले जाते हैं। इन्हें पानी पीने के लिए और अच्छी जगह होती है जहाँ इन्हें रखा जाता है। आप देख सकते हैं कैसे वीडियो में आप ये ऊंट हलाल करने के लिए ले जा रहे हैं। अरबियन कंट्री में ऊंट को मारने को हलाल कहते हैं। अब इस ऊंट को एक मशीन में लाया जाता है, जिससे कि ये मशीन उसकी गर्दन पकड़ लेती है और फिर इसे हलाल किया जाता है, इसे मार दिया जाता है। इसकी बाहर चमड़ी निकालकर इसे अच्छी तरह से साफ करने की प्रोसेस होती है। इस फैक्ट्री में ऊंट को बीच में से काट देते हैं, जिसमें कि इसका मांस अच्छी तरह से छोटा करने की प्रोसेस चलती रहती है। एक ऊंट में से कम 300 तो 400 किलो मांस निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो मुर्गी में से 2-3 किलो निकलता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ऊंट का मांस निकाला जाता है। फिर इसे वर्कर छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप ये ऊंट के मांस को स्टैंप लगा देते हैं, जिससे कि इसे पहचानने में आसानी हो। फिर इसमें से हड्डियाँ निकाल लेते हैं, जिससे कि ऊंट का मांस छोटे छोटे टुकड़ों में बट सके। अब इसे आप देख सकते हैं कैसे चाकू से वर्कर अच्छी तरह से काट लेते हैं, जिसमें कि अब इसका कीमा बनाने की प्रोसेस होती है। इसे बहुत सावधानी से करना पड़ता है, वरना हाथ पर भी लग सकता है चाकू। इसे काट लेने के बाद अब इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जिसमें कि इन टुकड़ों को एक अलग मशीन में डाल देते हैं, जो मशीन की इन टुकड़ों से कीमा निकाल लेती है। बहुत आसानी से कीमा बनने के बाद इसे आप पैकेजिंग करने की प्रोसेस होती है। एक ट्रे में 4-4 पीस डालकर इसे आसानी से पैक करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कैसे ये मशीन कीमा निकाल रही है। अब ये ऊंट का मांस तैयार है। मार्केटों में, शॉपिंग मॉल और अलग अलग कंट्री में जाने के लिए अब ये तैयार है खाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।